हेलो गाइस, मैं हूं नितीश मोदी जी। तो गाइस, आज हम बात करेंगे आयरन मैन से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, बात करेंगे कुछ चेस्ट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट डॉनी जूनियर के बारे में। तो फाइनली वो रिटर्न हो रहे हैं ब्लैक विडो की अपकमिंग मूवी में, जो कि 2020 में रिलीज होने वाली है एक कैमियो के तौर पर। अब कैमियो क्या होता है आप सभी जानते हो, एक छोटा सा सीन जिसमें कि एक एक्टर आता है और चले भी जाता है और सिर्फ ऑडियंस को खुश करने के लिए। तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर का एक कैमियो होने वाला है आयरन मैन के तौर पर, जो कि ब्लैक विडो मूवी में होगा। तो ये काफी कमाल की बात है इसे मार्वल फैंस के लिए, क्योंकि ब्लैक विडो का जो ऑरिजिन बनना है तो काफी ज्यादा लोग डिसअपॉइंटेड है कि इस लड़की में ऐसी क्या ताकत होगी या इसके ऑरिजिन में ऐसी क्या खास बात होगी जिसके वो हम थिएटर में देखने जाएं। तो नंबर ऑफ जो मार्वल फैंस है उनके लिए तो मोस्ट ऑफ दी जो एक पॉइंट है कि ब्लैक विडो को ऑरिजिन है देखने तो जाना है, एक मार्वल फिल्म है, और दूसरा रॉबर्ट डॉनी जूनियर रिटर्न हो रहे हैं इस मूवी में तो उनको भी देखने के लिए, चाहे वो कैमियो क्यों ना हो। तो सबसे बड़ी बात है कि ओरिजिन में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो ब्लैक विडो की ओरिजिन से लेकर इन्फिनिटी वॉर तक की स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसमें कि जो इवेंट हुए हैं, जिसमें कि 2000 वाली एवेंजर, एज ऑफ द अल्ट्रॉन, इन्फिनिटी वॉर, सिविल वॉर और आयरन मैन 2। जी हाँ, तो इसके बीच में जो इवेंट हुए हैं, जो मिशन कंप्लीट करे हैं ब्लैक विडो ने, चोरी छुपे, हाइड्रा के अंदर, शील्ड के अंदर, एवरीथिंग, वो सब हमें इसमें देखने को मिलेगा। और जो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर हैं वो इसमें हमें कैमियो के तौर पे देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। और पॉसिबिलिटी है कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर तो देखने को मिलेंगे, उसी के साथ हमें बकी भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, बकी बांस, जो कि स्टीव रॉजर्स का सबसे बेस्ट फ्रेंड था। अब बात करते हैं कुछ चेस्ट अपडेट के बारे में। तो सिल्वर सर्फर से रिलेटिव काफी कमाल का अपडेट आया है। अभी हाल ही में आपको मैंने बताया था कि रूसो ब्रदर का थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि इस मूवी को वो डायरेक्ट करें, और अपडेट ये आ रहा है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इसके ऊपर डेवलपमेंट में काम चल रहा है। ये एक रूमर है, कोई ऑफिशियल कंफर्म नहीं है। और देन अगर ये कैरेक्टर वापस आ रहा है तो मेरे को एक चीज़ नज़र आती है, वो है गैलेक्टस। जी हाँ, गैलेक्टस मेरे दिल से जुड़ा हुआ है, और ये कैरेक्टर का वापस आया तो थैनोस की जगह ये ले सकता है। तो सिल्वर सर्फर के अगर कोई ऊपर मूवी बन रही है तो बहुत बड़ी बात है। अब बात करते एक और अपडेट जो कि आपको चौंका देने वाला है, वो है रियाना से रिलेटिव। रियाना को आप सभी जानते होंगे, ये पॉप सिंगर है हॉलीवुड की, बहुत ही अच्छी सिंगर है, गाना भी काफ़ी अच्छा गाती है और मैं तो इनके गाने सुनता ही हूँ। अब अपडेट ये है कि अपकमिंग जो बैटमैन मूवी आ रही है मैट की, आप सभी जानते हैं, उसमें एक जो कैरेक्टर विलेन होने वाला है वो है पॉइजन। और पता ये चला है कि रियाना इस कैरेक्टर को प्ले करने में इंटरेस्टेड है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया लिंक पर काफ़ी ज़्यादा इसे प्रमोट कर रही हैं, तो शायद लग रहा है कि वो इस कैरेक्टर को प्ले करें। और गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो आपको इन तीन में से कौन सा सबसे ज़्यादा अपडेट पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।